أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته भोजपुर के लोग सलाम नहीं समझते हैं क्या? समझते हैं कि नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ मैं अदब से नया भोजपुर भोजपुर वालों को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच चुकी है, आपकी आवाज मेरे कानों तक आ चुकी है। बस थोड़ी सी गुजारिश है कि आप अपने कदम से यहां तक भी पहुंच जाएं। थोड़ा कुर्सी लेकर चाचा आपके सामने जो मीडिया जेके मुशायरा मीडिया पूरे मुल्क हिंदुस्तान का चहीता मीडिया आपके दरमियान मौजूद है। दोस्तों इनको जो है थोड़ा इनके सामने ज्यादा आने जाने का माहौल न बनाएंगे आप लोग, इनको थोड़ा फ्री छोड़ दें। माशाल्लाह पीछे जो चचे हैं उनसे गुजारिश करो थोड़ा आप भी आगे बढ़ जाएं, मिलकर बैठ जाएं, मिल जाए अभी मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा जी। मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 20 मिनट के अंदर आपको ये भी जगह न मिलेगी, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो बड़े अदब के साथ आपसे इल्तिमास गुजार हूं कि बराए करम आप महफिल में आने की कोशिश करें, इसलिए कि आज के इस इजलास में आपने बैनर के तले या इश्तिहारात के जरिए जिन शुअरा का नाम पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वो जनाब अशफाक बहराइची साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन पर उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं हमारी इस फहरिस्त में एक मुकर्रिरे बेबाक मुकर्रिरे शोला बयान खतीबुल असर जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला साहब गाजी चतुर्वेदी जो पूर्णिया की सरजमी से तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह उनके भी खूबसूरत तकरीर से हम तमाम मुस्तफीज होंगे। माशाल्लाह मोहतरम हजरात आज का ये प्रोग्राम जलसे दस्तार बंदी की मुनासिबत से मुनक्किद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपका महबूब इदारा मदरसा कासिमुल उलूम जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 21 हुफाज़े किराम हैं, 21 हुफाज़े किराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने हुफाज तैयार हुए हैं। ये सारे हुफाज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी खिदमत करेंगे और आपके नया भोजपुर का नाम रोशन करेंगे। हम और आप मदरसा कासिमुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम मुनअक़िदा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल यादगार तारीख साज जलसे दस्तार बंदी में तशरीफ फरमा जुमला अरबाब अहले सुन्नत वल जमात की बारगाहों में मैं नेमतुल्लाह रहमानी बहैसियत नाज़िम गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपकी सही कोशिश फिक्र तदब्बुर और तगो दौक आपके इखलास फिद्दीन का नतीजा है कि आपका महबूब इदारा मदरसा कासिमुल उलूम तरक्कियात की नई मंजिलों को अबूर करके उस मकाम पर पहुंचता चला जा रहा है जहां पहुंचने के बाद हजरत अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं
क्या आपने अपना कीमती वक्त मदरसा कासिमुल उलूम को दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इश्तिहारात के जरिए जितने भी शोरा का नाम पढ़े हैं, जितने भी खुतबा का नाम पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग आपके इस इलाके की सरजमीन पर गामजन हो चुके हैं, तमाम लोगों की तशरीफ आवरी हो चुकी है, तमाम लोगों की आमद हो चुकी है। बस आप तमाम हजरात से मैं अदब के साथ इल्तिमास गुजार हूँ कि अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही है तो बड़े अदब के साथ आप तमाम हजरात महफिल में आने की कोशिश करें। जितनी जल्द आप हजरात महफिल में तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह उतनी ही जल्दी इस महफिल का आगाज हो जाएगा। और जब आगाज होगा उसके बाद इंशाल्लाह नौजवानों की दिल की धड़कन आली जनाब अशफाक बहराइची को आपके हवाले आपके रूबरू किया जाएगा। मोहतरम हजरात हाजरीन सामाईन मुंतजमीन मुआविनीन मुआफिकीन पर्दा नशीन इस्लामी खवातीन बुजुर्गों दोस्तों साथियों इस्लाम के नौ निहाल शहजादों आका के दीवानों नया भोजपुर के नौजवानों नेमतुल्लाह रहमानी को पहचानो। जी अभी कुछ दिन कबल आप ही के इलाके में इधर आना हुआ था लेकिन ये दूसरी मर्तबा मेरी हाजिरी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इलाके के मायना सालिम दीन हजरत मौलाना हाफिज वकारी अल्ताफ हुसैन साहब का कि जिनकी बेपनाह मोहब्बतों के साए तले ये नाचीज नेमतुल्लाह रहमानी की हाजिरी हुई। मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इस जलसे की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातवा कंधे पे रखा गया। इंशाल्लाह मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपके ख्यालो फिक्र का रुख मदीना शरीफ की तरफ मोड़ कर आपकी समाअत का मेयार आला करने की कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि जितनी मोहब्बत के साथ मैं शेर पढूं उसी मोहब्बत के साथ आप भी सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करेंगे करेंगे ना कि महफिल जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह, महफिल जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह, नाद के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। और इससे पहले के कोई शायर मुकर्रर आए अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। धीरे धीरे कुछ लोगों का जवाब पहुंचा है। जी मैं आपको बता दूं कि आंसुओं का बोझ उठाना सीख ले, गम में भी मुस्कुराना सीख ले और कुछ भी नहीं आता नया भोजपुर वालों तो बस हम यहाँ मिलाना सीख ले। तो जितनी मोहब्बत के साथ मैं शेर पढूं उतनी मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह आप दाद देंगे मुझे उम्मीद है। और दाद नहीं देंगे तो जबरदस्ती दाद वसूल करवा सकता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब देखता हूँ ये दाहिना हाथ और बायां हाथ यहाँ जब जब आता हूँ तो दाहिना बायां का मसला आ जाता है। देखता हूँ कि दाहिने जानिब ज्यादा ताकत है या बायां जानिब ज्यादा ताकत है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि दाहिना हाथ ज्यादा मजबूत होता है इसलिए हर काम करने के लिए सबसे पहले दाहिना हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखता हूँ कि दाहिने हाथ से शुरू करता हूँ बाएं हाथ तक पहुँचता हूँ इधर की आवाज ज्यादा है या इधर ज्यादा दम है। मजमा कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दम है, है कि नहीं? आप लोग इसी तरह से फिट रहे हैं ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मदरसा कासिमुल उलूम का प्रोग्राम इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। तो हिट करेंगे ना जी? हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात हिट नहीं करेंगे। अल्लाहू अकबर। थोड़ा सबर कर लें। अब मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे आप लोग। एक शेर पढ़ दूं सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात सुनेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जितना कस के आप बोलेंगे उतना कस के मैं भी शेर पढ़ूंगा।
लेकिन सबसे पहले एक शेर आपकी समातों के तहलीज पर रखने की कोशिश करता हूं। यहीं से अंदाजा हो जाएगा क्या आप हजरत कारी शब्बीर साहब को कितना सुनेंगे, अशफाक बहराइची को कितना सुनेंगे, कारी इकराम अकमल साहब को कब तक सुनेंगे, हजरत मौलाना खालिद सिलसिला गाजी चतुर्वेदी को कब तक सुनेंगे, हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब कासमी को कब तक सुनेंगे। इंशाल्लाह यहीं से अंदाजा लग जाएगा कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज खोलिए, आवाज खोल दीजिए, माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है आपका। जी जी आवाज खोलिए, आवाज खोलिए ना आप, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, रोज यही काम कर रहे हैं अभी हम, थोड़ा सा आवाज खोल दीजिए ताकि इन लोगों को भी मजा आ जाए कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। जब तक नहीं बोलेंगे पूरी रात यही शेर पढ़ता रहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे। माशाल्लाह इसी अंदाज में सुने, कसम खुदा की जब ऐसे सुनेंगे तो दिल करता है कि हर प्रोग्राम में आप लोगों को भारे पे लेके आऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, शुरू जब आगाज इतना अच्छा है तो इंशाल्लाह अंजाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जी लेकिन कि जिंदगी मदीना जाना चाहते हैं जी, कह दीजिए तड़प तड़प सुभान अल्लाह, अल्लाह तमाम लोगों को मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए, कहिए आमीन। कि जिंदगी की है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे। जिंदगी की है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे, और बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप भी सुन रहे हैं, इधर के हमारे जो चचे हजरत हैं वो भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हर प्रोग्राम में चचे हजरत को इसलिए टारगेट बनाता हूँ कि इनकी दुआएं मिल जाएगी तो कसम खुदा की पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में डंके की चोट छोड़े शेर पढ़ सकता हूँ। इसलिए कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है, रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर। लेकिन जब चचे लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं तो कभी कभी एक दुआ भी करने लगता हूँ कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। बहुत खूब अच्छा लग रहा है ना जी, हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है, माशाल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जी जी आप इसी तरह सुभान अल्लाह बोलते रहे, मैं गर्म हो जाऊं। जी जी इसलिए कि अभी जो है कंटिन्यू एक हफ्ते से अभी लगातार ही सफर में हूं, 7 मार्च तक लगातार प्रोग्राम, आवाज की हालत आप देख रहे हैं, थोड़ा इख्तिसार के साथ काम लेना पड़ेगा। अब आइए धीरे धीरे इंशाल्लाह वक्फे वक्फे पे आपके दरमियान आता रहूंगा, आपको बेदार करने की कोशिश करता रहूंगा।